ये है इंडोनेशियन कप नूडल्स। तो आज हमने अपने दिन की शुरुआत की है इस व्यू से। न्यू डे, न्यू पिकनिक, ये राइट। लाइक होटल के कमरे से बाहर निकलते ही, चार सीढ़ी उतरते ही हम लोग सीधा पहुंच जाते हैं समुंदर में। तो होटल काफी सही है यहाँ का, काफी अच्छा व्यू है और काफी सही लोकेशन पे मिला है ये होटल। एंड अभी हमारी बोट है नेक्स्ट दूसरे आईलैंड की, जो की है गिली आईलैंड, जो कि बाली से बेसिकली अराउंड 100 किलोमीटर की दूरी पे है। एंड हमारी बोट है 10:45 पे, बट हमें हार्बर पे 10 o'clock तक पहुंचना पड़ेगा। तो 9:15 एंड हमारा ड्राइवर ऑलरेडी आ चुका है, तो अराउंड हमने उसको बोला है हाफ एन आवर वेट करें, और अभी हम हाफ एन आवर में यहाँ से निकलते हैं। हमारे होटल से हार्डली 5 minutes की डिस्टेंस पे था वाया कार, और आप लोग हम लोगों को डायरेक्टली स्विमिंग कॉस्ट्यूम में देख रहे होंगे। तो हमारा गिली जाते से ही स्नॉर्कलिंग करने का प्लान है। So, I'm so excited. और हमारी बोट बिल्कुल पीछे ही खड़ी है। This one, और पीछे वाली पोर्ट वाली, तो अच्छी बात ये है कि यहाँ पे भी पोर्ट है, तो हमें पानी के अंदर नहीं जाना पड़ेगा, हम लोग डायरेक्टली बोट को बोर्ड कर सकते हैं। एंड अगेन ये भी बोट हमने बुक की है क्रूज से, और बोट का नाम है विजाया बोट। और ऑल्सो द सिमिलर प्रोसेस, जैसे हम लोग यहाँ विजाया के काउंटर पे आए, उन्होंने हमसे हमारा टिकट आईडी लिया जो हमने ऑनलाइन रिसिप्ट था जो बुक किया था। हम लोगों ने सारे टिकट्स आईडी के प्रिंट आउट भी अपने साथ लिए थे, तो हमने उन्हें टिकट प्रिंट आउट शो किया। उन्होंने हमें ये आईडी कार्ड्स दिए जैसा गीतांश और हमारे पास दिख रहे हैं, एंड ऑल्सो ये विजया का टैग दिया है, अगर घूम भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसा उन्होंने बोला था। बट हम लोगों ने अगेन स्टिक करके रखा हुआ है। Actually, और हमारे इस बार हमने लगे चेक इन करा दिए हैं। एक्चुअली ये टैग इसलिए दिया है क्योंकि ये बोट यहाँ से जाती है लोम्बोक, और बीच में 3 stops है, गिली त्रवांगन, गिली मीमो और गिली एयर। तो हम लोग गिली त्रवांगन जा रहे हैं, तो इस टैग के ऊपर लिखा हुआ है कि हमें त्रवांगन पे उतारना है, भाई आगे मत ले जाना। Yes, so guys, मिलते हैं गिली त्रवांगन में, और ऑल्सो हम आपको बीच के कुछ व्यूज रास्ते में देंगे। Amazing party over. Amazing experience here. Thank you so much.
अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा हमारे सो कॉल्ड प्राइवेट क्रूज का. एक्चुअली लोग इतने कम थे कि ये नीचे का फ्लोर भी खाली था एंड ऊपर के फ्लोर पे तो कोई भी नहीं था. तो हम लोगों ने उनसे पूछा कि क्या हम ऊपर के फ्लोर पे जा सकते हैं. उन्होंने बोला कि बदले में एक भी आ गया, एक बियर देनी पड़ेगी आपको. तो एक बियर के बदले में पूरा क्रूज हमारा हो गया. वाओ, अमेजिंग एक्सपीरियंस. और इंडोनेशिया में पंजाबी तड़का लगा दिया हमने पूरे रास्ते. एक घंटे तक पंजाबी गाने बजते रहे हैं. अब हम गिली में एंड गिली जो है वो लाइक इंडोनेशिया का नॉन मोटराइज्ड आइलैंड है जहाँ पे कोई भी मोटर व्हीकल नहीं चलता है, सिर्फ साइकिल्स एंड टांगे चलते हैं. और अभी हम लोग एक टांगे में ही बैठे हैं और हम लोग अपने होटल की तरफ जा रहे हैं. तो हम लोग टांगे से अपने होटल पहुंच गए थे बट लाइक होटल का चेक इन 2 बजे होता है तो उन्होंने हमारा सामान वहाँ रखवा दिया. तो हम एक्सप्लोर करने निकल गए और हम लोगों ने स्नॉर्कलिंग बुक कर ली है और अब हम लोग जा रहे हैं स्नॉर्कलिंग करने करने. और ये है हमारी बोट. सो अभी हम लोग स्नॉर्कलिंग जा रहे हैं और ये हमारे गाइड है. So yes, now we are going on snorkeling. Yes, guys. Live TV of underwater in the boat. आज का स्नॉर्कलिंग का एक्सपीरियंस काफी अमेजिंग था. सो हम लोगों ने 3 आवर्स का पैकेज लिया था. इस 3 आवर्स में उन्होंने हमें 3 स्पॉट्स पे स्नॉर्कलिंग करवाया. पहले स्टॉप पे उन्होंने बहुत सारी फिश और टॉर्टराइज दिखवाए. इतना बड़ा टॉर्टराइज था वहां पे. यस, और हमें 3 टॉर्टराइज दिखे. सेकंड दिखे थे, 3 दिखे थे. सेकंड स्पॉट पे उन्होंने स्टैच्यू सर्कुलर शेप में स्टैच्यूज रखे हुए हैं वो दिखवाया. एंड थर्ड पे कार एंड स्कूटर रखा हुआ है वो दिखवाया. एंड उन्होंने ये तीनों स्पॉट्स पे काफी अच्छा टाइम दिया है. 30 to 45 मिनट्स का हमें टाइम दिया पूरा सी एक्सप्लोर करने के लिए हर पॉइंट पे. सो एक्सपीरियंस काफी अमेजिंग था. एंड ऑल्सो इसी के साथ उन्होंने हमें एक नियर बाय आइलैंड पे जिसका नाम गिली मीनो है वहाँ पे उतारा और हम लोगों ने आराम से 40-45 मिनट्स तक बैठ के लंच किया. एंड वो व्यू भी बहुत प्यारा था. सो ओवरऑल स्नॉर्कलिंग में मजा आ गया. तो यहाँ पे बेसिकली 3 आइलैंड्स हैं, गिली टी, गिली एम, गिली ए. तो हम लोग जो हैं गिली टी में है जिसका फुल फॉर्म है गिली त्रावांगन. यही लाइक मोस्ट कमर्शलाइज्ड आइलैंड है इन तीनों में से. बाकी आइलैंड सो बाकी के जो दोनों आइलैंड्स हैं वो काफ़ी कम कमर्शलाइज्ड हैं. लाइक गिली एयर वो अभी बहुत ही नया है और मतलब वहाँ पे भी थोड़ी पार्टी होती है बट वो काफ़ी नया है और बहुत ही कम कमर्शलाइज्ड है इस टाइम पे. जो गिली मीनो है वो सबसे कम कमर्शलाइज एरिया है और लाइक गिली मीनो को हनीमून आइलैंड भी बोलते हैं लाइक टोटली क्वाइट. एंड गाइस आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी है और आज का हमारा लंच गिली मीनो पे हुआ था. सो हनीमून आइलैंड पे हमारी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी. तो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था वो. तो ये पैकेज हमने गिली टी आके ही बुक किया. मतलब हम लोग होटल में अपना सामान छोड़ के बाहर निकल गए थे तो होटल के बगल से ही हमने यहाँ पे बाईसाइकिल हायर कर ली थी. तो बाईसाइकिल का चार्ज हमें पड़ा था 50K पर साइकिल पर डे. तो लाइक हम जब तक हम लोग कल यहाँ से आज रात यहाँ पे हम लोग कल यहाँ गिली से चले जाएंगे तो तब तक साइकिल हमारे पास रहेगी. गाइस बाईसाइकिल में भी आपको नेगोशिएशन करने की जरूरत पड़ सकती है क्योंकि इन्होंने स्टार्ट 70K पर पर्सन से किया था बट फाइनली हम लोगों को 50K पर पर्सन में मिली है बाईसाइकिल. बी इंडियन, लाइक नेगोशिएट एवरीवेयर.
सो लाइक वही साइकिल पे घूमते घूमते हमने तीन चार वेंडर से पूछा कि लाइक स्नॉर्कलिंग का क्या प्राइस है, लाइक डिफरेंट डिफरेंट प्राइस सब लोग कोट कर रहे थे और डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस. तो वन पॉइंट सो हाँ लाइक देर आर टू टाइप्स ऑफ पैकेजेस, लाइक एक होता है पब्लिक एक होता है प्राइवेट. पब्लिक काफ़ी चीपर है बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो फिक्स टाइम पे होता है, तो वो 9 AM पे होता है या 1 PM पे होता है. बट हमारे ऑलरेडी लाइक उस टाइम पे 1:30 PM के आसपास हो रहा था, तो हमारे पास पब्लिक वाला कोई ऑप्शन नहीं था. एंड प्राइवेट टूर्स में बहुत वेरिड रेट है, लाइक दे विल स्टार्ट फ्रॉम लाइक 1.5 million एंड कुछ लोग 1 million 1.2 million, लाइक मिलियन से नीचे तो बात ही नहीं कर रहे थे. बट अगेन वी नेगोशिएटेड अ लॉट एंड फाइनली जो हमें पैकेज हमने लिया वो 3 hours वाला पैकेज 750K में. तो काफ़ी अमेजिंग पैकेज था, काफ़ी अमेजिंग स्नॉर्कलिंग का टूर था. यस, उसके बाद जैसे हमारा स्नॉर्कलिंग खत्म हुआ हम काफ़ी टायर्ड हो चुके थे. हमने होटल रूम में चेक इन किया लेकिन रूम इतना ब्यूटीफुल था कि रूम को देख के सारी थकान मिट गई. एंड इवन स्विमिंग फेसिंग रूम था, स्विमिंग यानी गेट ओपन करते से ही आपको सामने पूल दिखेगा. तो हम लोग डायरेक्टली वहाँ पे यानी सामान रखा है और पूल में जाके फिर से कूद गए और प्रॉपर यानी 2-3 1-2 घंटे आराम से पूल में रहे और हमारा वो स्नॉर्कलिंग वाला थकान पूरा उतर गया है. एंड अभी दूसरा पूल, एक फ्रंट में भी दूसरा पूल है, वहाँ पे लाइक अमेजिंग सनसेट का व्यू है. सो हमने होटल के पूल एक्सप्लोर किए सी से आने के बाद. तो अब उसके बाद हम लोग फाइनली अब रेडी होके लाइक एक साइकिल टूर पे जा रहे हैं और वहीं पे डिनर करके वापस आ गए. सो गाइस आज का टूर, आज का पूरा दिन बहुत अमेजिंग था एंड एनिवर्सरी स्पेशल भी था. बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया. इवन हम लोगों ने अपना सारा एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया. आप भी अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर कीजिए कि आपको कैसा लगा है वीडियो. आई होप आपने वीडियो इन्जॉय किया होगा. अगर आपने वीडियो इन्जॉय किया होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस.